हेलो फ्रेंड, सबको राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो हमें कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको आज अपना खेत दिखा रहे हैं अच्छे से, और हम खेत में क्या करने आए हैं ये सब आपको दिखाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हम हैं जो खेत में आ चुके हैं। यहाँ पे पशुओं के लिए है जो चारा लगाया हुआ है, हरा चारा। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, इसकी कटाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने सोचा कि चलो मूली खा लेते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर है जो हमने मूली उगाई हुई है, तो हम देख रहे हैं कि कौन सी मूली है जो अभी खाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो खेतों में क्या होता है कि एकदम ताज़ा जो मूली होती है वह खा लेते हैं। ज़्यादा है जो उनको है जो रखना नहीं होता है, जिस तरीके से पसंद होती है उस तरीके से है जो यहाँ पे उपाड़ लेते हैं और फिर खा लेते हैं। यहाँ पास में है जो माँ है जो रिझका काट रही है। ये रिझका और सस्सू हैं जो पशुओं के लिए डाली हुई। यहाँ पे साथ में मूली भी है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मूली देख रहे हैं। तो ये मूली हमको थोड़ी मोटी लगी तो हमने उपाड़ ली इसको। तो मैं और माँ है जो खेत में आया। हाँ, तो आप लोगों को भी मूली पसंद है तो आ जाइए यहाँ पे, खिलाते हैं आपको मूली। तो इस तरीके से हमें जो अच्छे से पक जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, वह उपाड़ रहे हैं, क्योंकि अभी है जो इनको डाले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मूलियों को बहुत कम दिनों की है, तो इसलिए ये पतली पतली हैं। तो आपको ये गाँव की हरियाली कैसी लगती है, गाँव कैसा लगता है हमें ज़रूर बताना। तो हम जब भी मूली खाते हैं तो ताज़ा मूली हमें उपाड़ते हैं, और उसी तरीके से हमें इनको खाते हैं धो के साफ करके। तो जब भी खेत में आते हैं तो जो हमें अच्छी लगती है वह मूली उपाड़ लेते हैं और खा लेते हैं। तो अभी हमें जितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम 4 या 5 मूली उपाड़ेंगे। तो आप देख सकते हो हम किस तरीके से पूरे रिचके के अंदर है जो घूमते हुए यहाँ पे है जो मूलियों को है जो मूली को है जो अच्छे से देख रहे हैं। तो आप भी देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। तो ते देख सको मैं है जो 5 मूली उपाड़ ली है। अब खाने के लिए इतनी बहुत है, तो अब है जो अन पानी उसी साफ करके ले आऊँगा। अब है जो बहुत मोटी कोनी हुई है मूली। पास में टंकी है जिस पानी में है जो साफ करके लहसुन अच्छी तरीके हूँ। तो इटे पास में लहसुन मटर ये लगा रखे हैं हमने, तो ये हमारी मटर की खेती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितनी दूर में हमने जो मटर लगा रखे हैं, पास में है जो लहसुन लगा हुआ है। तो ये लहसुन है, यहीं पे सामने आप चलोगे तो यहाँ पे है जो गाजर है, गाजर लगाई हुई है। तो चलो पानी की टंकी के पास में चलते हैं, वहीं पे धोएंगे इनको। ये लो आ गए, मटका है, मटका में से निकालेंगे पानी। यहाँ पे पास में टंकी भी है। चलो भाई धोते। तो मैं धो लेती हूँ इनको अच्छे से, मूलियों को। मूली को फिर हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो हमने मूली है जो अच्छे से धो ली है, पानी से साफ कर ली है, मूली को भी साफ किया है और इनके पत्तों को भी है जो साफ कर लिया है अच्छे से। पत्ते तो मुझे खाने नहीं हैं, मैं तो मूली मूली खाऊंगी। तो चलो फ्रेंड्स खाते हैं फिर। ये हमारे खेत की ताज़ा मूलियाँ हैं, एकदम से ताज़ा, आपने देखा है अभी निकाली है हमने। चलो खाने से पहले है जो ट्यूबवेल को ऑन कर देते हैं यहाँ से,
चालू कर देते हैं अच्छे से। तो अच्छे से है जो इसको वापस बंद कर दिया हमारी मूलियाँ, यहाँ पे मूली वो ले लेते हैं और चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए जिसको भी है जो मूली खानी है आ जाइए जल्दी से। तो देखिए मैं किस तरीके से खाती हूँ, इस तरीके से। इसमें क्या होता है कि चाकू से सही करने की ज़रूरत नहीं हो रहती है, छील लो, हाथ से भी छील सकते हो, दांतों से भी छील सकते हो इस तरीके से। और यदि अच्छे से है जो आपने साफ कर लिया तो फिर छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमने इतनी सारी जो मूली है वह ली है, देखो इतनी सारी मूलियाँ वह ली हमने। तो जिसको भी खाने का मन कर रहा है जल्दी से आ जाइए हमारे साथ और खा लीजिए। ये ऊपर की परत है जो आप उतार भी सकते हो। यदि आपको मूली बहुत ज़्यादा खारी लगती है फिर भी खाने का मन रहता है तो ऊपर की ये परत होती है ये उतार दो, उसके बाद में मूली है जो ज़्यादा खारी नहीं लगेगी आपको। तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं खेत में आपको। तो ये यूरिया है तो हम खेत में है जो डालेंगे यूरिया को, जहाँ पे है जो खाद की कमी है वहीं पे यूरिया को डालना है हमें। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।